राधे 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 राधे। सबको देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं, और साथ ही तुलसी विवाह की भी असीम अपार शुभकामनाएं। माँ तुलसी सबका कल्याण करें, शालिग्राम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैंने ना आज अपना तुलसी दरबार सजाया हुआ है, देखी तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में जो मेरे घर में मेरा दरबार सजा है, आइए एक बार उसकी यात्रा करते हैं। हैं, ये देखिए, और मैंने जो ये श्रृंगार किया ना, ये देखिए मेरी सजावट जो है ना, वो सारी सब्जी भाजी, जैसे नारायण ने वृंदावन बसाया ना राधे कृष्ण ने, तो ये देखिए प्रकृति से ही उत्पन्न चीजों से हमने, प्रकृति का एक अतुलनीय अमूल्य, आज जिसे हम वृक्ष के तौर पर जिसकी पूजा करते हैं, जिनको अपने घरों में विराजते हैं, सेवादारी देते हैं माँ तुलसी की, आज उनके लिए प्रकृति से उत्पन्न चीजों के द्वारा ही हमने श्रृंगार किया हुआ है। ये देखिए, उसके बाद ले चलते हैं आपको अपने शालिग्राम और माँ तुलसी तक। आइए, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये अंगूठियों का आदान प्रदान मेरे शालिग्राम और माँ तुलसी का। माँ तुलसी के द्वारा शालिग्राम को दिया गया ये बांसुरी चांदी का, देखो एक सेवादारी करना, एक किसी चीज को करना, और एक होता है कुछ है करना है, सारी दुनिया कर रही है इसलिए करना है तो कर लेते हैं। भगवान ना भाव खाते हैं, भाव के भूखे होते हैं, और दो प्रकार के भाव खाते हैं, एक तो भाव खाते हैं, एक तो भाव खाते हैं, और एक भगवान भाव खाते हैं। एक भाव होता है जो भगवान भक्तों के भाव के भूखे होते हैं, और दूसरा लोगों के अहंकार का भाव खाते हैं। दो प्रकार के भाव खाते हैं भगवान, तो भक्तों के भाव के भूखे होते हैं और उस भाव को खाते हैं, वो तो उचित है खाते हैं, और वो भक्तों को उसका मिलता भी है पुण्यांश। लेकिन अहंकार का भाव जो खाते हैं वो थोड़ा कष्टप्रद होता है, थोड़ा नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा ही कष्टप्रद होता है। तो खैर, पुनः एक बार दरबार आप लोगों को सब छोटी छोटी चीजें दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेरे शालिग्राम और ये माँ तुलसी की शरण पादुका। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे प्रकृति के साग सब्जियों के द्वारा ये समस्त दरबार जो है वो सजा है। ईश्वर ने वैसे भी जिस प्रकृति की रचना करी हुई है वो स्वयं भी बेहद अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय है, जिसकी हम आप जैसे लोग कद्र नहीं कर पा रहे हैं। बट वैसे भी ये सेवादारी भाव की सेवादारी होती है, और मुझे वैसे भी बड़ा आनंद आता है। तो ये है मेरा दरबार, अगर अच्छा लगेगा तो अच्छे ही कमेंट डालिएगा।
और नारायण की सेवादारी और नारायण का दरबार किसे नहीं अच्छा लगेगा। पर हमारी विडंबना ये है ना कि अगर किसी और जगह का कुछ और वीडियो डाल दो तो लोग बड़ा लाइक और सब्सक्राइब और ये और वो फलाना ढिमकाना करते हैं। ईश्वर की चीज जाए तो लोगों के हाथ बड़े संकुचित हो जाते हैं। हाथ तो छोड़ो, हृदय संकुचित हो जाता है भैया। खैर चलिए, पुनः सबको एक बार एकादशी की ढेर ढेरी शुभकामनाएं और तुलसी विवाह की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा सदैव सब पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना और प्रार्थना है मेरे बिहारी से, मेरी राधे रानी से, मेरी माँ महालक्ष्मी से, मेरे नारायण से, मेरे महादेव से, मेरी भगवती से, मेरे भाई गणपति से, मेरे भाई कार्तिकेय से, मेरे भाई हनुमंत से। ईश्वर सबका कल्याण करे। इसी के साथ सबको राधे राधे, राधे राधे।